लिखा है कि मैं 16 साल का लड़का हूं, मुझसे सब मोहब्बत करते थे और मुझे बहुत पसंद करते थे, मगर सब दोस्त इस महीने अलग हो गए हैं और आखिरी दोस्त भी दूर हो रहा है। मुझे गुस्सा बहुत आता है, घर वाले मुझसे नफरत करना शुरू हो गए हैं, पढ़ाई भी मुझसे नहीं होती, दिल कुरान पढ़ने को बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब 5 वक्ती नमाजी थे और तहज्जुद गुजार थे, मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं? नहीं थे, उन्होंने नमाज छोड़ी या आपने छोड़ी? पहले तो सवाल यह है कि नमाज वो थे वो दोस्तों ने छोड़ दी और आपने नहीं छोड़ी, या आपने छोड़ दी उन्होंने छोड़ दी? अगर ऐसी कोई गलती है तो आप अपनी कोताही दूर करें। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अजान सुनता है ना बंदा अजान, फिर वो उसका जवाब देता है। नुस्खा बता रहा हूं आपको, रोजाना हम सुनते हैं पढ़ते हैं, जब किसी की अफादियत बयान करते हो तो उसमें ज्यादा चार्म पैदा हो जाता है ना। आपने फरमाया जिसने अजान को सुना उसका जवाब दिया, फिर हैया अलसला हैया अलफला पर सलाह वाला कुव्वत कहा, फिर वो पढ़े मुझ पर दुरूद भेजे, फिर वो अल्लाह मरबा हाजह दावत, ये पढ़ने के बाद वो कहे रजी तो बिल्लाह रब बिल इस्लाम दीन वब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, वो 3 बार ये पढ़े, लोग नफरत करने वाले मोहब्बत शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह करके देख ले। फिर आखिरत में मुफ्त में हौजे कोसर का भी मिल जाएगा पानी ये अमल करने से इंशाल्लाह। لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا